गाइस हवाई हमले बहुत हो चुके हैं और मेरी मम्मी कुछ कह रही है, मेरी मम्मी कह रही है सब लोग जीते रहो खुश रहो। फिलहाल हवाई हमले हमने बहुत सीख लिए, इलेक्ट्रो ड्रैगन, सुपर ड्रैगन, ये वो फलाना ड्रैगन। अब हम जमीन पे उतरेंगे उस खतरनाक स्ट्रेटेजी के साथ जो कि वेरी डेंजरस है, आपको पता ही है। सिर्फ मैं डेंजरस स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ आपको, आऊ सिखा दू मम्मी, सिखा दू इनको अटैक करना। मम्मी कह रही है सिखा दे तुझे खुद आता है। बिल्कुल रेडी हम अपने पहले जमूरे को पीट के ढूंढने के लिए, नहीं ढूंढ के पीटने के लिए। गाइस आइए चलते हैं। लो जी डबल इनविजिबल टावर वाला पहला जमूरा, आर्टलरी पकड़ेंगे इसकी और सीसी को भी पकड़ेंगे, उसके बाद टाउन हॉल में आर्मी लेके बढ़ जाएंगे। आपको पता ही है कितने खतरनाक क्वीन चार्ज अटैकर हैं हम। ऐसे पता तो मुझे भी नहीं है कि मैं कितना खतरनाक क्वीन चार्ज अटैक करूं, जब कभी कभी करने बैठता हूं ना तब मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर ये वाला भी टैलेंट है। पहले तो क्वीन को यहां पे अंदर एंट्री करानी है, वो सोच रहा हूं कैसे अंदर एंट्री होगी, छोटा सा छेद है, इतने छोटे छेद में जाएगी नहीं क्वीन, लेफ्ट राइट भगेगी बावली पूंछ की तरह, क्योंकि इसकी बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए मुझे इसके लिए रास्ता खत्म करना पड़ेगा ताकि ये अंदर जाए। अब शायद जाएगी। अरे जाना, अरे नहीं जा रही यार, अब मैं क्या करूं, मेरे जैसा नूब अटैकर ऐसे में क्या करेगा, नहीं चाल चलूंगा अब मैं, भेजना तो है ही पर फिर भी नहीं जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी भग रही है आगे पीछे, पता नहीं कौन सी बीमारी है मेरी क्वीन को टेढ़ा मेढ़ा भगने की। किसी और की क्वीन होती ना अब तक दो बार घुस जाती इसके बेस के अंदर, पर क्योंकि ये मेरी क्वीन है तो ये नखरे खाएगी। चलो सीसी बाहर आ गया, भेज मार देते हैं, क्योंकि क्वीन अंदर नहीं गई इसलिए थोड़ी सी अटैक की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी मुझे। यहां से लेंगे एंट्री, वार्डन रॉयल चैंपियन, अरे क्वीन की एबिलिटी चली गई चुपचाप, पता भी नहीं चला यार, कमाल है क्वीन रानी तुम काहे मर रही हो, तुमको तो जीना है अभी, तुम्हें मरने की इजाजत अभी नहीं है। बहुत सारे स्पेल लग गए हैं, क्वीन पे डैमेज खतरनाक चल रहा है, टाउन हॉल ने रेल बना के रख दिया मेरी आर्मी की, भाई बिल्कुल लग रहा है कि अब मैं कैसे जीऊंगा, वार्डन एबिलिटी लगा के जीऊंगा और भाई कैसे जीऊंगा, क्वीन मेरी उधर दम तोड़ने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं तो अक्सर होती रहती हैं गाइस, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मेरे रॉयल चैंपियन के पास अभी एबिलिटी है। और मेरे पास दो हेड हंटर भी हैं, वही तो ट्रिपल मारेंगे, किंग के पास भी एबिलिटी है, दबा देते हैं, टाउन हॉल को लास्ट में निकालेंगे गाइस, अब समझ रहे हो आप कितने खतरनाक अटैकर हैं, हमको भी नहीं पता, आपको पता था तो कमेंट में बॉक्स करके बताना। चलिए जी अगले बेस पर हम आ गए, सेंटर टाउन हॉल का ये बेस है, खतरनाक सी जगह पे सीसी रखा है और आर्टिलरी रखी है। एंट्री किधर से ले वो है मसला, चलो इस मसले को हल करते हैं, इधर से लेंगे एंट्री। क्वीन के ऊपर डैमेज बहुत पड़ेगा भाई, भयानक डैमेज है क्वीन पे, अप्रेंटिस वार्डन उतार देते हैं इसलिए क्वीन की हेल्प के लिए, इधर से किंग उतार देते हैं, सेज बैरक उतार देते हैं ताकि फनल बन के तैयार हो जाए, एक वॉल ब्रेकर और लगा दिया हमने, गलती वॉल तोड़ रहा है वो, कोई फायदा नहीं उस वॉल का, कम से कम किंग तो फनल बना ले, किंग भी गलत जा रहा है, आर्मी उतारनी ही पड़ेगी क्योंकि किंग का काम है नीचे की तरफ जाने का, किंग जा रहा है गलत ही डायरेक्शन में।
एबिलिटी भी ट्रिगर्ड हो गई है, टाउन हॉल इनविजिबल भी हो गया, दोबारा इनविजिबल हो गया है टाउन हॉल, क्या नहीं हुआ। चलो एबिलिटी तो हमने मार दी है और अभी बेस काफी बचा हुआ है, आखिरी हील भी लगा दिए भाई। रियल चैंपियन के हवाले वतन साथियों, आखिरी के कुछ डिफेंसेस निकालने हैं रॉयल चैंपियन को ही, इनके पास हेल्थ बहुत कम है। एक मल्टी टारगेट इन्फर्नो भारी पड़ रहा है, क्या क्वीन निकाल पाएगी बचे हुए इस आखिरी डिफेंस को? बस मल्टी टारगेट इन्फर्नो ही है, डेंजरस सा बेस था भाई, डर गया था मैं तो इस बार, ऐसा लग रहा था गधी बैठ रही है अटैक की। पर आर्मी ने कोपचे में घुस के एकदम सेंटर में जाके सब कुछ उड़ा दिया, दम तो है हाइब्रिड में, क्योंकि देखो मैं थोड़ा नूब अटैकर भी हूँ हाइब्रिड के साथ, और जब एक नूब अटैकर ट्रिपल मार देता है ना तो प्रो तो रेल बना देंगे भाई, समझ रहे हो, उस हिसाब से समझा करो आप। पर मेरे को लग रहा है टाइम मैनेजमेंट हमारा खराब हो जाएगा, इसका मुझे कुछ करना चाहिए था क्लैश विद कैश का, ये 99 फंसवाएगा मेरे को क्लैश विद कैश, बिल्कुल फंसवाएगा, क्योंकि क्वीन एकदम बेवकूफ़ है, दीवार तोड़ने में सारी बुद्धि लगाएगी, क्या करें हम ऐसी क्वीन का गाइस, कुछ नहीं कर सकते, मेरी गलती है, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ डिप्लॉय करना चाहिए था इसको निकालने के लिए। भाई ये मिल गया हमको बहुत डेंजरस सा बेस, खतरनाक ही लग रहा है बेस तो मेरे को, क्वीन को मैंने ऐसी जगह उतार दिया जहाँ पे इतना डैमेज है कि भाई पता नहीं कितना ही डैमेज है, डाउट हो रहा है मुझे तो कि क्वीन सर्वाइव कर भी पाएगी या नहीं इतने डैमेज को। किंग आ रहा है, हेड एंटर लगा दिया हमने, कोकालून डाल देते हैं गाइस, एक आधी माइन चेक हो जाएगी, ग्राउंड स्केलेटन्स हैं इधर, रेज लगा दी है, लेट तो नहीं हो गई है रेज, रेज लगा देते हैं भाई, डैमेज बहुत पड़ रहा है क्योंकि मेरी क्वीन प्यारी क्वीन पे, सीसी टेकडाउन करना अभी बाकी है, गई क्वीन ना मर जाए हेडंटर, अरे यार हेडंटर भाग गए किंग के पास, ये और भी दिक्कत है भाई, एक रेज और लगा दिए मैंने क्वीन पे, क्वीन को मरने नहीं देना है कुल मिला के, कोशिश तो यही चल रही है, ए भाई 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 आर्मी को पड़ रहा है डैमेज भाई, टाउन हॉल निकालो शेर बच्चों, वार्डन एबिलिटी लगा दी हमने, क्वीन के ऊपर इनविजिबल सही टाइम पे लगाई है, अपोनेंट क्वीन वरना जूस निकाल देती उसका, किंग एबिलिटी भी लगाई देते हैं बाद में तो क्या ही काम आएगी, एक वॉल ब्रेकर लगा देते हैं ताकि किंग यहां से निकल सके, और फाइनल हील ताकि होग राइडर्स हमारे थोड़े से हील अप हो सकें गाइस, काफी डेंजरस ये बेस था लेकिन इस बार हमने कोनो मिस्टेक ना ही की है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा इस बार थोड़ा, काफी सारी आर्मी हमारी बची रही, बहुत सारे होग राइडर्स हमारे बेस के ऊपर दौड़ रहे हैं, किंग भी हमारा बड़े साइज का हो गया था अब बेचारा छोटा हो गया और बेस हमारा आसानी से खत्म हो गया। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट बेस, एक और सेंटर टाउन हॉल का मनहूस बेस, ऐसे बेसिस से तो मेरे को बहुत ही डर लगता है सही बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता कि इतना डैमेज जो पड़ेगा मेरी आर्मी के ऊपर उसको मैं कैसे संभाल पाऊंगा।
एडवांस में सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोच लिया मैंने क्या करना है। इधर से वॉल ब्रेक, इधर से एक और वॉल ब्रेक, इधर पॉइजन, इनके लिए एक और वॉल ब्रेक, यहाँ पे बेबी ड्रैगन ताकि किंग मेरा अंदर की तरफ ही जाए। चीजें तैयार हो चुकी हैं, इनको अंदर जान दो, यहाँ से किंग और इसको आन दो, यहाँ से आर्मी को आन दो, सब कुछ आना चाहिए क्योंकि बहुत डैमेज है भाई कोर में। रेज लगेगी इधर ही, किंग की एबिलिटी लगेगी, हेड हंटर लगेंगे, पोकोलून लगेगा, हील लगेगी एक और, फ्रीज लगेगी, रेज लगेगी एक और, यही बस कंपार्टमेंट है खतरनाक वाला। हॉर्डन एबिलिटी लगेगी कि आर्मी यहां से बच के निकल सके। अगर आप कितना हैवी कंपार्टमेंट था वो टाउन हॉल वाला, सब कुछ वहीं पे था, स्कैटर शॉट, ये वाला शॉट, वो वाला शॉट, सारे हीरोज, सब कुछ वहीं पर था और उसी को हमने चुपचाप निकाल लिया। माताजी आ गई हैं गाइस हमारी, एक इनविजिबल हमारे पास बची है स्वैग करने के लिए, उसको स्वैग कर देंगे, यूज ही नहीं करेंगे उसका, है ना। तो जैसे जैसे हम अटैक करते जा रहे हैं, हम और खतरनाक होते जा रहे हैं, ऐसे ही आप भी हो जाओगे क्योंकि आर्मी भी इतनी ही ज़्यादा खतरनाक है। ये ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जाना है, बेस ढूंढना है, उसको ट्रिपल मार दो। कितना आसान काम बताया मैंने आपको, इससे आसान बताओ और क्या हो सकता है ना। एकदम आखिरी फाइनल अटैक गाइस हमारा बचा है, आइए देखते हैं कौन सा मुर्गा हमको मिलता है या हम ही मुर्गे बन जाते हैं फाइनल अटैक पे। ये तो डेंजरस सा मुर्गा लग रहा है गाइस, मोनोलिथ है, रेस्ट टावर है, मर जाएगा मैं तो इधर अगर घुस गया तो। मैं क्या करूं, टाउन हॉल में जाऊं, टाउन हॉल में सिंगल टारगेट इन्फर्नो है, बाप रे बाप, मेरे जैसा कमजोर क्वीन चार्ज अटैकर कैसे सिंगल टारगेट इन्फर्नो का सामना करेगा। मुश्किल जगह पे ही एंट्री लेनी पड़ेगी भाई, चाहे वन स्टार हो जाए मैं आपको दिखाऊंगा ये अटैक, क्योंकि जिस कंपार्टमेंट से मैं क्वीन चार्ज कर रहा हूँ उसके लायक नहीं हूँ मैं कि वहाँ से क्वीन चार्ज करके अंदर घुस सकूँ, पर फिर भी चलो हिम्मत करके आप लोगों की दुआओं के सहारे मैं इस कंपार्टमेंट में से एंट्री लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ, पर क्या करें गाइस, डर के आगे ही तो बेइज्जती है, डर के आगे जीत वीत कुछ नहीं होती भाई, बेइज्जती होती है। गलत जगह पे घुस जाओगे फिर बेइज्जती होगी, जीत थोड़ी होगी। ठीक ठाक चल रहा है अभी तक, मोनोलिथ है असली दिक्कत वाली चीज। ओए एबिलिटी ना चली जाए, पहले ही फ्रिज लगा देता हूँ, के बाद भी ना चली जाए इनविजिबल भी लगा देता हूं। ये कंपार्टमेंट बड़ा हैवी है क्वीन के लिए, अरे फिर भी लगानी पड़ गई एबिलिटी, बस अब क्वीन बच जाए तभी बात बनेगी। हील लगा देते हैं यहां पे आर्मी के लिए, पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है अटैक, फ्रिज लगा देते हैं, एक आखिरी हील भी लगा दी हमने, टाउन हॉल इनविजिबल हो गया है, बहुत दिक्कत हो गई है, तो तगड़ी दिक्कत हो गई है भाई टाउन हॉल के इनविजिबल हो जाने की वजह से। किंग की एबिलिटी लगा देते हैं, बाहर की तरफ घूम रहा बेवकूफों की तरह, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी चली गई है क्योंकि मेरा टाउन हॉल इनविजिबल हो गया था गाइस, और डैमेज पड़ गया बेचारी रॉयल चैंपियन को बहुत ज़्यादा।
आखिरी कंपार्टमेंट बचाइए। चलो मेरी बेइज्जती तो नहीं हुई, कम से कम मेरा वन स्टार नहीं हुआ है। और हम तीन स्टार की कोशिश में धड़ाधड़ लगे हुए हैं। तीन बलून लगे हैं पर इसको उतारने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि एयर डिफेंस है वहाँ पे। और कब तक बकरे की अम्मा खैर मचाएगी गाइस, इसलिए हमने उतार दिया। तो ये थी गाइस हमारी टाउन हॉल 16 पे हाइब्रिड अटैक स्ट्रेटजी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवर पावरफुल है। थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, बाकी तीन स्टार आपके धनातन होते रहेंगे। भाई मेरे जैसा नूब मार रहे हैं, आप जैसे प्रो तो भाई साहब खाल उतार दोगे। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। जरूर चैनल पे बता के जाना आपको कैसे लगी। पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय।